में आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के ब्राह्मण धर्मशाला से, जहां पर आप देख सकते हैं कि करनाल के हाई प्रोफाइल गैंग रेप मामले में जो ब्राह्मण समाज है वो एकजुट हुआ है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। और ये सीधी तस्वीरें इस समय ब्राह्मण धर्मशाला से आप देख रहे हैं कि किस तरह से करनाल का जो ब्राह्मण समाज है वो एक बार फिर से एकजुट हुआ है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। सीधी तस्वीरें करनाल के ब्राह्मण समाज से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज के काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज एकजुट हुए हैं कि आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो की जा सके। और इस समय सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ से एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। दूसरा बहाना बना करके जिस जनता ने कुर्सी दी उसके लड़के ने बहाना बना करके हमारे समाज की बेटी को छड़ा ठगा। भाई नरेंद्र रोष है, नरेंद्र क्रोध है कि हमारी वोटों से बनकर के, हमारे समाज की वोटों से बनकर के, छत्तीसगढ़ की वोटों से बनकर के ये जनता के जो सेवक कहलाने कहलाते हैं, क्या ऐसे कामों के लिए सेवक बनते हैं? पूरा रोष है। शिव कुमार गुंदर, उन्होंने हमारे समाज की बहन बेटी को बहन बेटी बना करके फंसाया है। हम उसके खिलाफ भी वही सड़कों पर कर रहे हैं। अजय भाटिया और ये राजपक्ष, ये तो दुराचारी है, भ्रष्ट लोग है ये तो। इन्होंने हमारे समाज की व्यक्ति के साथ अन्याय किया, इनको सलाखों के पीछे हम देखेंगे। हम एकजुट होकर के सड़कों पर उतरेंगे, तभी ये लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। ज्यादा सबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन रोष है, दुख है। इस दुख को जाहिर करने के लिए हम सभी समाज के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ हैं। तो हम शिव कुमार गुंदर को भी अरेस्ट करने की अपील करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। शिव कुमार गुंदर जिसने छड़ा हमारे समाज की बेटी को, सभी को राम राम। हम प्रधान सुरेंद्र शर्मा जी विरोधता आए और दिशा निर्देश दें, आगे की जानकारी दें। सुरेंद्र शर्मा जी विरोधता, सभी साथियों से और बुजुर्गो से, नौजवान साथियों से प्रार्थना ये है, थोड़ा आपस में दूरियां बना के रखें और जो अपने मास्क ले आए हैं या रुमाल या तौलिया ले गए हैं वो अपने मुंह पर जरूर रखें। सभी से यही प्रार्थना है, सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान जरूर रखें और सभ्य तरीके से, कोई भी ऐसी हमने कोई शरारतबाजी नहीं करनी। हमने सिर्फ एक दोषियों के खिलाफ हमने एक कार्रवाई ये करानी है, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट कराया जाए ताकि आने वाले समय में किसी बेटी किसी बहन के साथ ऐसी घटना ना घटे। हेलो हेलो हेलो, लाइट बात की गई इसके बगैर ही बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ ये प्रधान जी, और अपने आगे की दिशा निर्देश दें। उनकी फोन पर कह रहा हूँ, देखो आदरणीय बुजुर्गो, नौजवान साथियों, अब 5 मिनट में सिर्फ आप बाहर सड़क पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए, जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन है, मास्क लगा करके दो लाइन लंबी बनाकर चले, बीच में कोई है ना लाइन ना तोड़ें। सबसे पहले हम ज्ञापन देने के लिए डीसी के पास ज्ञापन देंगे, भाई जो यहाँ पर तहसीलदार है उस सीएम के नाम ज्ञापन देंगे, सीएम से मांग करी जाएगी, इसको तुरंत सस्पेंड करो, यहाँ से ट्रांसफर करें। जब तक ये यहाँ पर पोस्टिंग रहेगी और इस जांच को प्रभावित करता रहेगा, हमने निष्पक्ष जांच में रुकावट है, इसलिए हम इसका सबसे पहले तो ये डिमांड करेंगे। और आज सिर्फ एक ही बात होगी, दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो। हमारा जो नारा होगा, दोषियों को गिरफ्तार करो। 2.5 महीने से जो या पेंडिंग थी हमारी कार्रवाई, इसमें प्रशासन ने जानबूझ करके टाल मटोल करके इन रसूखदारों के दबाव में आकर के आज तक कार्रवाई नहीं करी, यह हम डिमांड करेंगे। आईजी मैडम, उसके बाद आईजी मैडम से मिलेंगे। और हमारी एक डिमांड होगी, हमने करनाल पुलिस पर, पूरी रेंज पुलिस पर, हरियाणा पुलिस पर हमें कोई विश्वास नहीं है। इसकी हमारी जाँच स्टेट से बाहर जांच हो, हम स्टेट से बाहर जांच की डिमांड करेंगे, ये हमारे नारे होंगे। और अपने ना लाइनबंद तरीके से चल करके किसी की प्रॉपर्टी, देखो सरकारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने अपनी बात को रखना है। जो हमारी गाइडलाइन हमारे को यही है, सिर्फ दोषियों को गिरफ्तार करो,
दोषियों को गिरफ्तार कराओ, जो जिसने ये ट्रैपिंग करके झूठा मुकदमा दर्ज कराया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ जांच हो और ये जो तहसीलदार इसको तुरंत सस्पेंड किया जाए और इसको यहाँ से ट्रांसफर की जाए। ये हमारी मुख्य मांग होगी। इसके मद्देनजर रखते हुए आप है ना सड़क पर लाइन बाई चले, बीच में लाइन ना तोड़े, कृपा करके कोई गाड़ी में निभाए बैठे जब तक वहां से वापस नहीं लाइन वापस भी राम से ऐसे आएंगे। आपने ये इसका पूरा ध्यान रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है। हाँ, जैसे हमारे पास में तख्ती है वो तख्ती लेकर के वह साथ चले। रूट यहाँ से रूट आना जो सीधा सचिवालय चलेंगे, यहीं से सीधा हाँ जी सचिवालय चलेंगे। सचिवालय के बाद फिर आईजी मैडम से मिलेंगे, फिर उसके बाद आईजी मैडम से मिलेंगे। पहले सचिवालय में है ना डीसी को ज्ञापन देंगे सीएम के नाम, उसके बाद वहाँ आईजी को मिलेंगे। ये रूट है बहुत सारी, इसमें सारी डिमांड कर रखी है। ठीक है जी, आप यानी सभी लाइन बना लें, बाहर सड़क पर लाइन बनाए, दो लाइन बनाए, लंबी लाइन बनाए, बीच में लाइन नहीं तोड़े, कृपा करके आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और हमारे साथ अब सुरेंद्र शर्मा बड़ौता हैं जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। सुरेंद्र जी, क्या कुछ आज की रणनीति रहेगी? वैसे तो आपने बता दिया, लेकिन रणनीति क्या रहेगी, क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जिसको लेकर आज मांग लेकर आप डीसी और आईजी से मिलने जा रहे हैं? देखो, आज हमारी मुख्य मांग यह है, जो दोषी हैं 376 डी के जो मुलजिम हैं इनको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए और जो तहसीलदार है इसको तुरंत सस्पेंड करके यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। और हमारी मेन मांग यह है, क्योंकि जैसे हालात रहे हैं इन हालातों में हमने इस हरियाणा पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है, हरियाणा पुलिस पर विश्वास नहीं है। यह हमारी जांच है ना दूसरी स्टेट में की जाए, ये हमारी मुख्य मांग। कल आपने देखा होगा जो आरोपी पक्ष की तरफ से वकील सामने आए थे, उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण समाज से कुछ लोग चाहें तो आकर हमसे मिल सकते हैं, हम ज्यूरी बनाकर इस मामले की जांच करवाने के लिए तैयार हैं। क्या इसके लिए कुछ मन बनाया आपने? देखिए, 2.5 महीने से यह पेंडिंग थी, जब वे लोग कहाँ थे? अगर उन्हें इतना ही ख्याल था, इतने सामाजिक तौर पर में सामाजिक के सच्चे आदमी थे, तो 2.5 महीने कहाँ रहे हैं? 2.5 महीने में अपनी बात कर सकते थे, कौन उनकी बात नहीं सुनता था? पंचायती तौर पर कभी भी बात कर सकते। लेकिन आज जब उन्हें देखा भाई समाज इनके साथ, 36 बरादरी इनके साथ खड़ी हो गई है, आज उन्हें समाज का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहले जांच हो इसकी, पहले ये अंदर हो, अगर कोई सच्चाई होगी तो ये एजेंसी अपना देखेगी। हमने क्या लेना देना इस बात से? हमने तो ये देखना है जो मुलजिम है उनको अरेस्ट करना, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आज जो 36 बरादरी के भाई यहाँ इकट्ठे हैं, सिर्फ पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए इकट्ठे हैं। आपने बड़ी बात अभी कही कि जो शिव गोंदर है उन्होंने बहन बनाकर ट्रैप रचा है, ये पूरी बात क्या कहना चाहते थे आप? देखिए, ये है ना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो भी इसमें दोषी है, चाहे कोई भी है दोषी, चाहे कितना बड़ा रसूखदार है, वो इसमें आना चाहिए। इसकी जब जांच होगी ना, गहन तरह से इसकी जांच होगी, बड़े बड़े पर्त खुलेंगे इसमें। हम तो ये कहते हैं इसकी जांच होकर के जो ये मुलजिम है इनको अरेस्ट कराया जाए, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उनको सबको अरेस्ट कराया जाए। चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं कि देखो जब इसमें सीबीआई मांग भी है और स्टेट से बाहर की जांच की मांग है, जब 2.5 महीने में अपने पुलिस, किसने पुलिस को दरखास्त दी थी भी इसको केस को कैथल ट्रांसफर करते, मन मर्जी से अपने आप ट्रांसफर करते हैं लोग, इन पर कहाँ तक विश्वास करें? इसलिए हमारा इनसे विश्वास उठ चुका है और हम है ना आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करते हैं, इसकी सीबीआई या स्टेट से बाहर इसकी जांच हो। आईजी मैडम से क्या डिमांड रखेंगे? आईजी मैडम से ये कहेंगे भी जो इसमें पैसे का खेल चला उस पर क्या कार्रवाई करी आपने, उससे भी ये बात रखेंगे। 2.5 महीने से आप आईजी मैडम तो यही थी, आज ट्रांसफर इतनी जल्दी आने फाने में ट्रांसफर क्यों करा? वह पुलिस कहाँ से आई? वो भी तो आपके अंडर पुलिस है, यह भी आपके अंडर पुलिस थी। अगर आपने इतने पुलिस पर विश्वास, इससे क्यों नहीं कराई जांच? या क्योंकि इन लोगों ने पैसे का खेल खेल लिया, अब वह पैसा के खेल खेल लेंगे ताकि इस पीड़ित परिवार को दबाव दे करके इसको घर बैठा जाए, इस पर झूठे मुकदमे दर्ज करा जाए। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा पीड़ित परिवार को, जिला करनाल ब्राह्मण सभा 36 बरादरी को साथ लेकर के पीछे नहीं हटेगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम अपनी धरना जुलूस जारी रखें। धरना पैदल आज पैदल चलेंगे, आगे की रणनीति होगी तो आपको समय रहते सब बता दिए। धन्यवाद जी। तो आपने देखा कि किस तरह से जो ब्राह्मण समाज है उनकी तरफ से, नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं जी? सर एक मिनट। तो आपने देखा कि किस तरह से जो सुरेंद्र शर्मा है उन्होंने कहा कि जो हमारी मांग है वो ये है कि जो जाँच है वो हरियाणा से बाहर
करवाई जाए, हरियाणा से बाहर ये जांच करवाई जाए। और फिलहाल जो तमाम आप देख सकते हैं कि समाज के लोग हैं लगातार एकजुट हो रहे हैं, और आज ये जो पैदल मार्च है, पैदल धरना है, ये सबसे पहले डीसी कार्यालय की तरफ यानी कि मिनी सेक्रेटरिएट की तरफ जाएगा, और उसके बाद जो ये पूरे का पूरा पैदल मार्च है ये जाएगा आईजी दफ्तर की तरफ। और भी कुछ लोग हैं सर, आज लोग इकट्ठा हुए हैं, आप सब लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? छोड़ दीजिए, हम कहना चाहेंगे कि भी सभी जो भी ये पीड़ित महिला है इसको अन्याय मिलना चाहिए, और जो भी इसके साथ किया है, जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या शुभ नाम है? रामदल शर्मा। कहाँ से? मोड़ी से। आप कुछ कहना चाहेंगे? रावड़ी से जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आना जी, एक साइड मुद्दा जी, न्याय मिलना चाहिए जी हमारी बहन को। अभी हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं सारे, आज ज्ञापन सौंपेंगे साहब। आज ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं फिलहाल डीसी ऑफिस की तरफ ये अब कूच करेंगे, डीसी ऑफिस की तरफ चलेंगे, और वहां पर ये अपनी मांग लेकर जाना चाहते हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने से आप देख रहे हैं। गाड़ी ले आओ, और ये सभी के सभी जो लोग हैं अब हाथों में तख्तियां लेकर अपना जो जुलूस है, जो मार्च है, वो निकालेंगे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल की ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण धर्मशाला से देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर आज निकल रहा है, और सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं करनाल से। आप सभी लोगों से अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। करनाल का हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामला, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सभी लोग आज एकजुट हुए हैं, और किस तरह से हाथों में तख्तियां लेकर सभी के सभी लोग यहां पर चल रहे हैं, और पहले डीसी ऑफिस जाया जाएगा, और उसके बाद जो ये काफिला है वो जाएगा आईजी ऑफिस में। जी हाँ, आईजी ऑफिस में जो ये पूरा काफिला है इसके बाद ये जाएगा। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामले में किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो एकजुट हुए हैं आज। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? मैं यही कहना चाहता हूँ, दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके अवलात में ठोका जाए, और जो षड्यंत्रकारी हैं उन सब पर कार्रवाई करें। अगर षड्यंत्रकारी सही नहीं है, जिन्होंने पैसे लिए प्रशासन ने, उन पे कार्रवाई की जाए, और वो तुरंत प्रभाव से उनको बर्खास्त किया जाए, यही हमारी डिमांड है जी। हमारे लगभग ये जितने डिस्ट्रिक्ट से मौजूद आदमी आए, एक शुरुआत है, आने वाले समय में आपने लाखों आदमी के हिसाब से मिलेंगे, यहाँ से लेके ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल, हरियाणा लेवल, और लास्ट में जंतर मंतर तक संघर्ष करेंगे, जंतर मंतर तक संघर्ष करेंगे, ये बात इनकी तरफ से कही जा रही है। और मांग सीधी और साफ है कि जो हम जांच है वो जांच चाहते हैं कि हरियाणा से बाहर से हो, हमें हरियाणा पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये बात जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं फिलहाल कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने से देख रहे हैं आप। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे का पूरा जो समाज है वो पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार के खिलाफ किस तरह से नारेबाजी यहां पर कर रहा है। सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं आईबीएन 24 पर, किस तरह से करनाल का जो ब्राह्मण समाज है वो फिलहाल काफी ज्यादा यानी कि आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर उतर,
फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं काफी ज्यादा आक्रामक होकर ये पूरे का पूरा जो धरना प्रदर्शन है वो अपना कर रहे हैं। आम लोगों को इस एक तरफ दिक्कत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर फिलहाल डटे हुए हैं। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंच पाए कि करनाल का जो ब्राह्मण समाज है, जो पीड़ित महिला है, उसके समर्थन में सामने आए। लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने कोई इसमें संज्ञान नहीं लिया। आज रोष प्रदर्शन, जो सरकार की नाकामी और प्रशासन की नाकामी की वजह से आज रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर आज भी दोषियों को अरेस्ट नहीं किया तो धरने जुलूस हमारे जारी रहेंगे। इसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन को, इसमें मुख्य आरोपी अजय भाटिया और अपना जो राजबाग ये अपना तहसीलदार है, ये है अरब हम डीसी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। जब तक ये जाँच चल रही है इसको है ना सस्पेंड कराए, तहसीलदार को सस्पेंड कराए और यहाँ से ट्रांसफर कराए। ये भी हमारे आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं। अब सभी से अपील, जो भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर जरूर करें। महापंचायत बुलाई थी, उसने फैसला किया था प्रशासन शक्तियों के बारे में दिया था कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, लेकिन दो दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके बाद आज ब्राह्मण समाज दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं लगातार एकजुट होकर इस पूरे के पूरे जो जुलूस है उसको ले जाते हुए फिलहाल डीसी ऑफिस करनाल की तरफ, पहले जो ज्ञापन है वो करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव को दिया जाएगा और उसके बाद करनाल की जो आईजी हैं भारती अरोड़ा उनसे मिलकर पूरी की पूरी बात रखी जाएगी कि यहाँ से जांच ट्रांसफ़र क्यों की गई है। ये
इन लोगों का पहला सवाल है, और दूसरा सवाल ये कि जो ये जांच है ये पूरी स्टेट से बाहर यानी कि हरियाणा पुलिस से बाहर जानी चाहिए। स्टार्ट करके ले जा। और पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहां पर नारेबाजी करते हुए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। करनाल की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरा है। आप देख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे जी, आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं जो दोषी हैं इनको जल्द से जल्द, अजय भाटिया और अपना राजबख्श, इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। जो दोषी हैं या प्रशासन हो या कोई और अधिकारी हो, उन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई, अजय भाटिया हैं, राजबख्श हैं, और बाकी जो तफ्तीश का मामला जितने भी तफ्तीश में हो सबको अरेस्ट किया जाए, साबिस उनको उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो भी लोग इन्वेस्टिगेशन पार्ट है जितने भी उसमें आए उसको सबको अंदर ठोका जाए तफ्तीश करके। आपको सुरेंद्र जी, क्या आपको भरोसा नहीं है हरियाणा सरकार के ऊपर? आप कह रहे हैं हरियाणा से बाहर जांच हो, भरोसा नहीं है? ढाई महीने से, ढाई महीने से जो ये मुकदमा पड़ा है, अगर सरकार में इतनी नैतिकता होती आज तक फैसला कर लेती, लेकिन अब तक सरकार ने ये नहीं किया, इसलिए सरकार से है ना विश्वास उठा। और फिलहाल देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो फिलहाल सड़कों पर उतरे हुए हैं, और खट्टर सरकार मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो फिलहाल लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दोषियों को गिरफ्तार करो। एसपी करनाल मुर्दाबाद, एसपी करनाल मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो करनाल पुलिस है, जिला प्रशासन है, हरियाणा सरकार है, उसके खिलाफ काफी ज्यादा जो लोग हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यहां पर ये है कि अगर हरियाणा सरकार पर, हरियाणा पुलिस पर इन्हें भरोसा नहीं है, तो अब जो जांच है वो आखिर करेगा कौन?
दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, 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 हस्ती करनाल मुर्दाबाद, हस्ती करनाल मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। सीधी तस्वीरें इस समय आईबीएन 24 पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से कत्ल मर गया, कत्ल मर गया, पुलिस प्रशासन प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर आपको हरियाणा सरकार पे भरोसा नहीं है, हरियाणा पुलिस पे भरोसा नहीं रहा? नहीं, हमारा हरियाणा पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ढाई महीने से यह केस पेंडिंग पड़ा है। अब हम है ना एक साइड में लगी वहाँ बैठ देते हरियाणा पुलिस पर और हरियाणा सरकार पर कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है। पुलिस प्रशासन भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ नहीं रिया भाई अपने को बचाओ, पुलिस प्रशासन सरकार काम कर रही है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग जहां तक इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ दोस्तों शेयर जरूर कर दें। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो लगातार एकजुट होकर करनाल की जो आईजी हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, करनाल के आईजी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से इस समय आप देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन और पहले जो ये मार्च है ये डीसी ऑफिस की तरफ जा रहा है, क्या कुछ वहां पर रहती है रणनीति ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुलिस भी मुस्तैद होगी कि जो ये जुलूस है ये अंदर ना आ पाए। यहाँ पर सवाल ये है कि कल जो किसानों का प्रदर्शन था उसे रोका गया था, लेकिन आज का जो ये प्रदर्शन है क्या इसे रोका जाएगा या जाने दिया जाएगा, कि क्या जो ये प्रदर्शन है ये रोका जाएगा या जाने दिया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को देखने वाले इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं कि किस तरह से करनाल जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार के विरोध में हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामले को देखते हुए ये रोष प्रदर्शन फिलहाल हो रहा है और ज्ञापन देने के लिए आए। और ये देखिए पुलिस काफी बड़ी संख्या में आ गई है, पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गई है, क्या आर पार की ये लड़ाई होगी या इन्हें जाने दिया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को देखने वाले इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है और इस रास्ते से इन्हें अंदर और ये देखिए बड़ी संख्या में जो ये लोग हैं फिलहाल एकजुट होकर यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस भी बड़ी संख्या पे यहाँ पर मौके पर मौजूद है
अब देखना होगा कि क्या कुछ जो रणनीति है वो यहाँ पर रहती है। सीधी तस्वीरें करनाल के मतलब सचिवालय मुर्दाबाद दोषियों को गिरफ्तार करो राजबक्स तहसीलदार को सस्पेंड करो पीड़ित महिला के मुकदमे वापसी लो पीड़ित महिला के मुकदमे वापिस लो जिस पुलिस अधिकारी ने पीड़ित महिला को चार साजिश में फंसा उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए एसपी प्रशासन मुर्दाबाद एसपी करनाल मुर्दाबाद। साथियों अब हम डीसी साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जो यहाँ पर तहसीलदार है राजबक्स उसके बारे में ज्ञापन और इस जो 376D का मुकदमा ढाई महीने पहले से दर्ज था इसके बारे में आज हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं या तो तुरंत प्रभाव से इनको बर्खास्त करके इसको अरेस्ट किया जाए अन्यथा ब्राह्मण समाज 36 कौम 36 बिरादरी से मिलकर के इसका बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ करने जाएगा जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन और शासन की होगी। मैं आप सबके माध्यम से डीसी को एक बात बता देना चाहता हूँ या तो आप अपने नाक कान खोल करके सरकार को जगाने का कार्य करें नहीं तो इस ब्राह्मण समाज का और 36 कौम 36 बिरादरी का गुस्सा आपके सामने सड़कों पर फूटा नजर आएगा उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ एक ही बात करूंगा अब हम ज्ञापन देने के लिए डीसी को यहाँ पर डीसी को कहते हैं आपके माध्यम से डीसी साहब आए और ज्ञापन लें जब तक डीसी यहाँ नहीं आएगा हम ऊपर नहीं जाएंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो सुरेंद्र शर्मा है उन्होंने कहा है कि जो डीसी हैं वो खुद मौके पर पहुंचे और हमारा ज्ञापन लें लेकिन जानकारी फिलहाल ये है कि जो करनाल के डीसी हैं वो मौके पर मौजूद नहीं है। आप सभी लोगों से अपील जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से आप देख रहे हैं कि किस तरह से करनाल का जो ब्राह्मण समाज है वो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इकट्ठे होकर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। साथियों मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ ये आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में से 36 बिरादरी के मौजूद आदमी आए हैं। आने वाले समय में जितने मौजूद आदमी आए हैं एक एक आदमी के पीछे हजार हजार आदमी हैं। आने वाले समय में या तो जल्द से जल्द इनको अरेस्ट किया जाए और जो दोषी हों या प्रशासन या कोई और अधिकारी उनके खिलाफ सस्पेंड करके मुकदमे दर्ज किया जाए अन्यथा ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके हरियाणा लेवल पे यह लड़ाई 2 महीने तक चले चाहे 3 महीने तक चले जंतर मंतर तक नहीं हटेंगे पीछे दोषियों को पीछे गिरफ्तार करा के रहेंगे। भ्रष्ट पुलिस मुर्दाबाद दोषियों को गिरफ्तार करो। जो भी ये भ्रष्ट पुलिस है जिसमें 25-30-35-40 लाख रुपए लेने का आरोप है यह भी अपना स्पष्टीकरण दे। अगर आपने 25-30 लाख रुपया लिया है नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दे। भाई जितने भी साथी खड़े पुलिस सामने आ जाएं, जितने साथी हैं भाई सामने आ जाएं। इस
जो कुंभकर्ण की नींद अधिकारी सोए हैं, इनको भी दिखे हमारी ताकत। ये तो एक शुरुआत है, आप आने वाले समय में देखना पूरे करनाल को हर चप्पे चप्पे को जाम कर देंगे अगर जल्द से जल्द इनको दोषियों को अरेस्ट नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इस समय करनाल के जो उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव वो मौके पर पहुंच गए हैं। ब्राह्मण समाज के जो प्रधान हैं उनसे ज्ञापन लेने के लिए आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से आप देख रहे हैं। अरे सीधी तस्वीरें इस समय करनाल के सेक्टर 12 से आप देख रहे हैं, जहां पर डीसी को ज्ञापन देने के लिए ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो पहुंचे। हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामले में आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन है वो सौंपा जा रहा है और सीधी तस्वीरें इस समय करनाल के सेक्टर 12 से करनाल के जो उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कृपया सब लोग पहन के रखें, आप काफी लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए हैं, मेरा सबसे आग्रह है कि मास्क लगा के रखें, डिस्टेंसिंग भी काफी पालन करें। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, ज्ञापन दिया है, इन्होंने ज्ञापन दिया है, इनकी कोई डिमांड है सरकार के पास भेजेंगे आप जी। तो आपने देखा कि डीसी महोदय ने ये बयान दिया है कि जो ज्ञापन दिया गया है वो सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। सोया ना रहे, जल्दी से जल्दी जागे और इनको आरोपियों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे, हमारी यही मांग है। अगर इनको अरेस्ट नहीं किया गया, आज ये जिला सत्र पर है, कल पूरे स्टेट में होगा, हरियाणा में अगर फिर भी नहीं हुआ तो पूरे देश में होगा यह जलसा, जलूस पूरे देश में निकाल लेंगे लोगों का, जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें इनको। अब डीसी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और डीसी साहब से निवेदन किया है, सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया, इसमें जो तहसीलदार और अजय भाटिया इनको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करें और जो तहसीलदार है इसको तुरंत बर्खास्त करके ये कार्रवाई करें, इनको अरेस्ट करें, ये हमने निवेदन किया। डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है, मैं जल्दी मुख्यमंत्री से बात करूंगा और ये भेजकर आपकी कार्रवाई। अगर कार्रवाई नहीं होती है दामी रणनीति क्या रहेगी? कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम है ना दोबारा फिर एजिटेशन करेंगे। इबकी पर एजिटेशन है ना सारे करनाल में, पूरे करनाल में इसका जोर शोर से जनसन तादाद में होगा, लाखों होगा ये। मैं आपसे एक और बताना चाहता हूँ, अभी हमारे को पता लगा आईजी मैडम है ना अपने वो जानबूझकर नहीं है, या उसको पता लगा अभी उसको कोविड का जो है अपना हो गया है पॉजिटिव है, चलो वो तो अलग मैटर है, जो बीमार है उसके लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आईजी मैडम को सचेत करना चाहता हूं, जो आपने ये खेल पिछले दिनों खेला है ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जब तक ये दोषी अरेस्ट नहीं होंगे जिला करनाल ब्राह्मण सभा और छत्तीस कौम छत्तीस बिरादरी पीड़ित परिवार के साथ मिलकर के इस न्याय की गुहार को आगे बढ़ाती रहेगी, इसको कोई दबा नहीं सकता, मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं दबा सकता। आज भी मारा कोई नहीं, एक दो दिन के बाद जब भी हमारी कोई मीटिंग होकर आज इसका दो दिन हम इसका देखेंगे भी इसमें ना सीएम क्या संज्ञान लेता है, अगर दो दिन में सीएम साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो अपनी मिल बैठ करके रणनीति बना करके आगे की रणनीति जो भी होगी आपके बीच में उसको सोमवार को आप शुरू करेंगे। हाँ कोई नहीं, इसको आपने देखा कि किस तरह से जो समाज के लोग हैं उन्होंने डीसी को ज्ञापन दे दिया, आईजी बताया जा रहा है कि वो महोदय आईजी महोदय ऑफिस में नहीं है इसलिए अब शायद उनकी तरफ उनके दफ्तर की तरफ तो जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, जब वो ऑफिस में नहीं है बताया जा रहा है कि शायद कोरोना से ग्रसित है वो, जैसा कि ब्राह्मण समाज के जो प्रधान है उन्होंने बताया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, मौके पर पहुंचे हैं और अपनी अपनी बात यहां पर रख रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव आईबीएन 24 पर आप देख रहे हैं। आप सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण समाज, भैया देना पानी की बोतल और पानी जरूरी है और इसीलिए पानी हमने लिया। आप सभी से अपील कि इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से आप देख रहे हैं, जहां पर ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी बात यहां पर रखी है और कहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक ये जो धरने प्रदर्शन है वो इसी तरह से जारी रहेंगे। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।